चल फिर चल भाई जी, एक थंबनेल के लिए तो दो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप भी इस गर्मी के सीज़न में कूलर लेने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि हमने भी बहुत R&D के बाद इस कूलर को ऑर्डर किया है। कूलर की डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ, चलो अनबॉक्स करते हैं। आप क्या तो है ये कूलर भी आ रहा है, हमारा बेबी कूलर है जिसने हमें 2 दिन बचाया गर्मी से, जो कि रेंट पे है। पहले आप इसका बैक साइड दिखा रहे हो? हाँ, मैं साइड में दिखाऊंगा पुलिस को। अच्छा, ये यहाँ पे लगा होगा ना? हाँ। तो गाइस वेलकम बैक, आज हम कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, हो चुकी है जो कि हो चुकी है नोवामैक्स के 75 लीटर डेजर्ट कूलर की। बहुत सुना था इसके बारे में और हमने अपना प्रीवियस कूलर बेच दिया था, तो एसी में तो डेफिनेटली एसी तो मैं लगाऊंगा ही 2 कमरों में, ऑफर से बिल बहुत ज़्यादा आता है, तो मैंने प्रेफर किया कि एक कूलर लेते हैं अच्छा सा। जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे मिला नोवामैक्स का, नोवामैक्स की ब्रांडिंग अच्छी है। मैंने सुना था लोग ऐसे बॉक्सिंग मारते रहते हैं और बोलते हैं कि इसकी जो मोटर है और एयर थ्रो बहुत अच्छी तक करता है, तो मैंने बोला चलो इसको ट्राई कर लेते हैं। ये हमको पड़ा था, इसका प्राइस भी बताएंगे, पहले आपको बताते हैं कि ये 75 मीटर का 180 वॉट की मोटर है इस पर और कमर्शियल है, देख लो साइज भी अच्छा खासा है। अभी हम इसको चला के दिखाएंगे और ऑन ऑफ इसमें आपको मिल जाएगा हाई लो मीडियम स्पीड के लिए, ये स्विंग के लिए भी ऑप्शन है, ये पंप के लिए, ये पुश और स्विंग दोनों है, ठीक है भाई जी। और अभी दिखाते हैं सबसे बेस्ट कूलर में, जो बात है नॉर्मल कूलर में जो घास होती है ना उस घास में ठंडी थोड़ा कम मिलती है, तो इसमें हनीकॉम है, हनीकॉम यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसे इसके रे पैड्स, जो एक बार भीग जाएंगे तो बहुत टाइम तक ठंडा करेंगे। तो पीछे का सरफेस बहुत बड़ा है, हाउ एवर साइड से इसका कुछ नहीं है, राइट साइड से नहीं है इधर से, हाँ पीछे इसलिए बड़ा नहीं है, ये वन साइड है, ताकि अच्छा देगा, वेट भी अच्छा खासा है, ऑलमोस्ट 20 किलो के बराबर है इसका वेट। तो हम इसको इस एरिया में लगाएंगे, पानी भरना इज अ चैलेंज फॉर दिस, क्योंकि इसके बाद व्हील्स भी मिलेगा गाइस। हाउएवर एक अच्छा लगा मुझे चीज़ कि इसके व्हील लॉक नहीं है, तो आई डोंट नो कि लॉक कैसे करेंगे, मैं इसको देखता हूँ। 4 व्हील भी मिले, ड्यूरेबल है। कूलर के व्हील लगाना बहुत ही आसान है, बस वहाँ पे सेट करो और 2-4 बार पुश करो जोर से, तो ऑटोमेटिक अटैच हो जा रहे हैं, लूज नहीं है। सेटअप कर दिया हमने, अभी देखते हैं जो 50 फीट इसकी हवा का इन्हें डिक्लेयर किया है, 50 फीट हवा आती है कि नहीं, पहले ट्राई करते हैं स्पीड की है ना, दिस इज फैन, ये लो है, दिस इज लो, कैसी हवा है जी, कैसी हवा लो में, इतना सही चल रहा है। देखो साउंड भी देख लो इसका, माइल्ड है, खाली है, नॉर्मल है साउंड, राइट। यहीं पर से अभी इसको करते हैं मीडियम, देखना सुनना कुछ चेंज है कि नहीं, 1 मिनट में फैन ऑफ कर देते हैं, मीडियम कर रहा हूँ, कम से राइट, हवा देखना एक बार, हवा थोड़ा बढ़ गया, हाँ बढ़ गया, हवा आई वहाँ, अभी हाई करते हैं, ठीक है दे रही है। तो भाई इसकी स्पीड से तो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ, ऑलमोस्ट 25 फीट तो हवा दे रहा है,
उसमें वैसे लिखा हुआ 50 फीट, बट 25 फीट तो होगा वहाँ, उससे भी बियॉन्ड दे रहा हुआ, बस तो बालकनी तक हवा दे रहा है। और प्राइस का पड़ा है हमको 11,000 है ना, 10,999 रुपए का पड़ा है हमको 75 लीटर का नोवा मैक्स। भाई बहुत बेस्ट कूलर, जिस हिसाब से हवा दे रहा है उस हिसाब से इसकी साउंड बहुत कम है ना भाई जी। नॉर्मल जो हम पिछले साल तक यूज करता था 80 लीटर का टीन वाला 3,500-4,000 का, वो इतना हल्ला करता था भाई, बंदा सुन नहीं सकता है क्या है, ऐसे करना पड़ता है। बट इसका साउंड बहुत बेस्ट है और पीछे से हवा बहुत ज्यादा ले रहा है पीछे फेंकने के लिए, तो इसका आउटकम बहुत अच्छा है। पॉइंट डाल के दिखाऊंगा और नेक्स्ट रिव्यू दिखाऊंगा इसका 1 या 2 हफ्ते बाद कि कैसी कूलिंग कर रहा है। तो गाइस एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा अपना कूलर 75 लीटर नोवा मैक्स। फिर से आपको दिखा रहा हूँ, मैंने ये पानी अभी इतना ही भरा है सबसे। और अच्छी चीज़ क्या लगी है पता है मुझे, नॉर्मली क्या होता है हैवी व्हीकल्स को या हैवी जो भी सामान होता है ना उसको अगर हम मूव करेंगे तो उसके व्हील्स उतना प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते। इसमें 75 लीटर ऑलमोस्ट कितना होगा, 75 ना भी मानो 50 लीटर भी अगर होगा इस पे, तो ईजिली मूव कर पा रहा हूँ मैं इसको। इट्स लाइक एनीथिंग, 10 किलो जैसा लग रहा है इन व्हील्स पे, ठीक है। और व्हील्स बहुत ड्यूरेबल है, ऐसा नहीं कि बकवास व्हील है। और फ्रंट इसका कुछ ऐसा है, फ्रंट मुझे बहुत पसंद आया था इसका जब मैं फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रहा था। फैन बहुत बड़े हैं यार इसके, और जो है ना स्विंग करते हैं, मैं दिखा दूंगा मैं आपको, अगर आपको दिखाऊं, देखो प्रॉपर स्विंग करते हैं। नोवा मैक्स ग्रेटर नोएडा की कंपनी है, बट इंडियन कंपनी है। फैन भी बहुत बड़ा है इसका, मैं सोचता था मेरे पास जो प्रीवियस कूलर है उसी के बराबर है, तो साइड से ऐसा वाटर इनलेट है इसका यहाँ से, अभी साइड में रख दिया तो मैं प्रॉपर नहीं दिखा पा रहा हूँ। तो ये है इसका ओवरऑल लुक, पीछे से मैंने आपको दिखा दिया इसके हनीकॉम पैड्स, ऐसे करके दिखाता हूँ प्रॉपर है। और ये हवा बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, पंप ऑन किया है मैंने इसको अभी, तो एक बार इसको ना चलाता हूँ मैं लो में। और इतना तेज है किसने, मेरा कैरम बोर्ड खींच दिया पीछे से, देखा इतनी पावर लेता है। गाइज मैं कोई फेक रिव्यूज़ नहीं दूंगा, अभी अप्रैल चल रहा है, अप्रैल की 1st तारीख है, लेकिन जो इसकी हवा है ना ऐसा लग रहा है कि मैं एसी के सामने हूँ, यानी कि मैंने मैन्युफैक्चर किया है या मैंने ऑर्डर किया था तब बोल रहा हूँ भाई। इसका जो एसी के सामने बैठा हूँ, अगर 22 किया ना टेम्परेचर, वैसा लग रहा है एसी के सामने 22 जब करते हैं ना 22-21 उतना ठंडा है। और ट्रस्ट मी अगर मैं इसके सामने बैठूंगा ना भाई बहुत ठंडा है यार, मुझे तो कूलर बहुत पसंद।